मुंबई के लोअर पटेल वेस्ट स्थित टाइम्स टावर बिल्डिंग में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। रात की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। टाइम्स टावर एक 7 मंजिला व्यावसायिक इमारत है जो लोअर पटेल के कमला मिल परिसर में स्थित है। BMC के अनुसार सुबह करीब 6:30 बजे आग लगी थी। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग को नियंत्रण में ले लिया गया है, लेकिन इमारत के तार और AC में आग लगने के कारण अभी भी काफी धुआं है। धुआं कम होने के बाद तलाशी और बचाव कार्य में शुरू किया जाएगा। कमला मिल्स परिसर में यह पहली आगजनी की घटना नहीं है। 29 दिसंबर 2017 को भी कमला मिल्स के एक रेस्टोरेंट में आग लग गई थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और 19 अन्य लोग घायल हो गए थे। उस समय मोमोज बार एंड रेस्टोरेंट में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसमें अधिकतर महिलाएं पार्टी में शामिल थी। वर्तमान घटना में दमकल कर्मियों ने इमारत को खाली कर लिया और किसी के अंदर फंसे होने की संभावना नहीं है। आग लगने के बाद इमारत में धुआं भर गया, जिससे तलाशी और बचाव कार्य में कठिनाई हो रही है। BMC ने कहा कि जांच के बाद ही आग के कारणों का सही पता चलेगा, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।